और अब बात मौसम की। उत्तर भारत में एक बार फिर ठंड का कहर देखने को मिल सकता है। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में मौसम का मिजाज बदल दिया है। आशंका यह है कि अगले 3 दिन तक बेहद ठंड पड़ सकती है। इसकी झलक जम्मू कश्मीर में दिखनी शुरू भी हो गई है। उत्तर भारत में एक बार फिर ठंड का कहर देखने को मिल सकता है, क्योंकि श्रीनगर समेत घाटी के कई इलाकों में शनिवार को जबरदस्त बर्फबारी हुई और चारों तरफ बर्फ की चादर जम गई। इस महीने में ये तीसरी बार है जब इतनी ज्यादा बर्फबारी दर्ज की गई है। वहीं आसमान में बादल छाए रहे, जिसकी वजह से तापमान भी गिर गया। श्रीनगर में भी इस वक्त रुक रुक कर बर्फबारी का सिलसिला जो है वो जारी है, और बर्फ गिरते ही एक बार फिर से बर्फ की सफेद कालीन बिछी हुई है। मेरे पीछे आप ये तस्वीरें एक देख सकते हो कि पूरी बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। जर्रा जर्रा जो है वो बर्फ की सफेद आगोश में सिमट चुका है। मकानों के छतों पर बर्फ है, सड़कों पर बर्फ है, पेड़ों पर बर्फ है, हर चीज जो है वो एक बार फिर से बर्फ की सफेद चादर में ढक चुका है। हालांकि इस साल काफ़ी वर्षों के बाद जो है कश्मीर में इस तरह की बर्फबारी देखने को मिली है। खासकर तापमान पर नज़र डालें तो तापमान में भी भारी गिरावट इस वर्ष रिकॉर्ड की गई है। 25 वर्षों का रिकॉर्ड जो है इस बार टूट चुका है। गुरेज सेक्टर में तो इतनी ज़्यादा बर्फबारी हुई है कि यहाँ बर्फ हटाने के लिए आइस कटर और बुलडोजर लगाए गए हैं। घाटी में पड़ी ये बर्फ कुछ लोगों के लिए मुसीबत लेकर आई। कुपवाड़ा में बर्फबारी के बीच अस्पताल में फंसी एक महिला और उसके नवजात बच्चे को आर्मी के जवानों ने 6 किलोमीटर लंबा सफर तय करके सुरक्षित घर पहुंचाया। तो वहीं शोपियां में बर्फबारी के बीच मुस्लिम परिवार ने एक कश्मीरी पंडित का शव अंतिम संस्कार के लिए उसके घर पहुंचाया और फिर अंतिम सफर में शामिल होकर मानवता की मिसाल पेश की। कश्मीर में फिलहाल चिल्लई कलां यानी शीतलहर का वक्त है। 40 दिनों तक चलने वाला चिल्लई कलां 31 जनवरी को खत्म हो रहा है, लेकिन उससे पहले हुई बर्फबारी की वजह से कश्मीर के कुछ जिलों में तापमान -2 से -4 डिग्री के बीच चला गया है। अगले कुछ दिनों तक कश्मीर में ऐसे ही हालात रहने वाले हैं।